अच्छा काला में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और लॉरेंस फोर्स लॉ और एक एग्जांपल जो है वो की थी 5.1। आज जो लॉरेंस फोर्स लॉ है उसको ज़रा हमने प्रूव करके देखना, ठीक है। तो अब जो कूलम फोर्स है किसी चार्ज क्यू के ऊपर, द कूलम फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, किसी चार्ज क्यू के ऊपर जो कूलम फोर्स है लोकेटेड जो किसी डिस्टेंस आर पे हो, located at a distance r, किसी चार्ज q1 की वजह से due to some charge q1, यानी कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज Q1 है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये फोर्स जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं ये Fe इज इक्वल टू 1/4πε₀Q/r² यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये फोर्स, ये क्या है, कूलम लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दो चार्जेस के दरमियान। अब मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, ये चार्ज Q1 है और इधर ये चार्ज Q है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इस जगह पर जो फील्ड जा रही है ये b1 है, तो इनको अगर आप आपस में मिलाएं तो ये कुछ इस तरह का फील्ड जनरेट होगा, यानी कि क्यू के फील्ड में Q1 जो है वो आ रहा है। अच्छा, अब ये फोर्स जो है इसको आप फिगर वन कह रहे हैं, इसको कोई फिगर वन का नाम जो है वो आप दे दें। अब ये फोर्स जो है इसमें अगर मैं r यूनिट वेक्टर की वैल्यू रखूं तो r वेक्टर डिवाइडेड बाय r का मैग्नीट्यूड, तो ये Fe आ जाएगा 1/4πε₀Q/r³ और r वेक्टर। ठीक है जी, अब चार्जेस Q1 और Q2 जब तो स्टेशनरी हैं तब तो इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ऐसे ही है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर नेगेटिव है या रिपल्शन होगी, बहरहाल फोर्स होगी जो कूलम्बिक। लेकिन अगर ये मूव करना शुरू कर दें विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, इफ द चार्जेस q1 एंड q2 starts to move with velocities v1 and v2, अगर ये velocities v1 और v2 से move करना शुरू कर दें तो अब एक additional
मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि चार्ज ने आप क्या किया है, मूव करना शुरू कर दिया। तो हमें पता है कि जब चार्ज मूव करता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और जब उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। तो अब यहाँ पर इनकी मूवमेंट की वजह से देन एडिशनली, तो एडिशनली जो है एक मैग्नेटिक फोर्स Fm is applied on charge Q। तो एक additional force जो है वो charge Q के ऊपर apply जो है वो होगी। By Q1 is given by, और ये जो फोर्स होगी आपके पास ये होगी एफ एम क्यू इंटू वी क्रॉस बी वन। इसका कोई इक्वेशन वन का नाम आप दे दें, ठीक है। ये कौन सी है, ये वो मैग्नेटिक फोर्स है जो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो है वो एक्ट करती है। अब यहां पर B1 जो है ये मैग्नेटिक इंडक्शन है जो कि प्रोड्यूस हो रही है चार्ज Q1 की वजह से, इट इज़ द मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज क्यू वन। अब अगर एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को देखा जाए तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी के, यानी कि आप जितना ज़्यादा चार्ज तेज़ी से मूव करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली the strength of magnetic field is directly proportional to the velocity of charge। तो चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी वेलोसिटी चार्ज की आप इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होगा। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो ये हम फार्मूला देखते हैं कि एफ एम क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है, ये इक्वेशन ही आप स्टडी करते हैं। तो अगर जो हमारे पास कंपोनेंट है वेलोसिटी का
अगर वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो तो फिर मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो होती है। ये कल भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर इसका कोई कंपोनेंट ऐसा हो कि जो फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी कि वी पैरेलल हो टू बी, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है ज़ीरो होती है। अब इसकी जो डायरेक्शन है इस फोर्स की, इस फोर्स के डायरेक्शन को आप किसकी मदद से फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल लगा कर इसकी डायरेक्शन को हम फाइंड कर लेते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो तब भी आप उसके ऊपर राइट हैंड रूल ही जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है डिक्रीजेस बाय 1/r². तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज करती है 1/r² से, जहां पर r जो है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट से आप चार्ज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वेयर आर इज़ दी डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं ऑब्जर्वर हूँ और वो स्पेस के अंदर कहीं, मैं उस पंखे को चार्ज कह देता हूँ या इस पंखे को चार्ज कह देता हूँ, तो इधर इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो आर है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कि डबल इफेक्ट आ रहा है डिस्टेंस के साथ। आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो डबल से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगी, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है वो लग रहा है यहाँ पर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो बी वन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी वन जिसकी बात की है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू वन वी वन मल्टीप्लाई बाई आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर के। तो इसमें अगर आर यूनिट वेक्टर की मैं वैल्यू रख दूं तो ये आर वेक्टर बन जाएगा और नीचे आर क्यूब आ जाएगा, तो बी वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन वी वन आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है इसको ख़त्म कर दूँ तो मेरे पास वो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि बी वन मेरे पास के क्यू वन वी वन मल्टीप्लाई बाई आर ओवर आर क्यूब आ जाएगा। और ये के जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट है जो कि बराबर है म्यू नॉट ओवर फोर पाई के, और ये वेरी करता है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर्स। यहाँ पर म्यू नॉट जो है इसको कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, सुना हुआ नाम पहले। इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है, इसको कहते हैं म्यू नॉट
परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको फ्री स्पेस की परमेबिलिटी का नाम जो है वो हम देते हैं। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास एफ एम क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बी वन, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो बी वन की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस के क्यू वन वी वन आर वैक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर K तो कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा और Q1 है हमारे पास और Q भी है, ये सारे बाहर निकाल लें, एफ एम क्यू क्यू वन के वी क्रॉस वी वन क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यू। इसको अगर मैं मज़ीद रीअरेंज करूं इस इक्वेशन को तो इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूं कि एफ एम इज इक्वल टू क्यू क्यू वन, के की जगह पर लिख दूँ म्यू नॉट ओवर फोर पाई वी क्रॉस वी वन क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। अब अगर जो है वो हमारे पास दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, ठीक है, इफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, अगर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो प्रेजेंट हैं तो फिर जो टोटल फोर्स है किसी मूविंग चार्ज Q पर Q1 की वजह से, सो द टोटल फोर्स ऑन मूविंग चार्ज Q ड्यू टू Q1, मूविंग चार्ज, अब मूविंग चार्ज जारी बात मूव कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब वहाँ पर दोनों फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो होना ही होना है, ठीक है, तो टोटल फोर्स जो है दैट विल बी द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो एफ जो है हमारे पास टोटल वो आ जाएगी एफ ई प्लस एफ एम। तो अब एफ जो है इसमें अंदर एफ ई क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी वन है और यहां से अगर मैं क्यू को कॉमन निकाल लूं तो ई प्लस वी क्रॉस बी वन हमारे पास आ जाएगा। अब यही फोर्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स, विच इज नोन एज
लॉरेंस फोर्स। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका काम होता है साइडवेज फोर्स को एग्जर्ट करना, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इसको कि ये क्या है, ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है। एज द मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट द साइड वे फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली एग्जर्ट करता है साइड वे फोर्स को ऑन ए मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर इसीलिए फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी कंडक्टर के ऊपर भी साइड वे फोर्स एग्जर्ट करता है। देयरफॉर इट आल्सो एग्जर्ट ए साइड वे फोर्स ऑन द कंडक्टर। यानी कि अगर किसी कंडक्टर को, कंडक्टर क्या होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाती है, विच अलाउज द करंट टू फ्लो, तो अगर आप किसी कंडक्टर को ऐसे रीजन में रखें कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो कंडक्टर में भी डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, कंडक्टर भी डिफ्लेक्ट करेगा। आप इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, आप कंसीडर करें कि एक वायर है, फॉर एग्जांपल कंसीडर ए वायर, एक वायर जो है उसको कंसीडर करें जो कि पास कर रही है उस रीजन में से कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, which is passing through the region where the magnetic field is applied, जहाँ पर कि हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अप्लाई किया होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक वायर बनाता हूँ, ये एक वायर है और यहाँ पर बी डॉट, डॉट किसके लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, क्रॉस किसके लिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज। तो यहाँ पर ये इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। अब आप इस वायर में से अगर कुछ करंट गुजारें, अभी करंट नहीं गुजर रही, तो लिहाजा इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रही,
तो जब आप इसमें से करंट गुजारेंगे, व्हेन द सम करंट पासिस थ्रू द वायर, तो जब करंट जो है वो वायर में से पास करती है, ठीक है, तो अब करंट पास कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब जरी पता है जहाँ से करंट पास कर रही है वो उस करंट की सराउंडिंग में भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड आ गए, एक तो एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है। अब इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से ये वायर जो है ये डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, द वायर विल डिफ्लेक्ट साइडवे ड्यू टू साइडवे फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो अब ये डिफ्लेक्शन जो है इस साइड पे भी हो सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट की क्या डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पर फिगर्स बनाता हूँ, ये एक फिगर है, इसके अंदर अब ये करंट आ रही है इस तरफ, ये आई, और ये इनटू द पेज आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। इसको कहते हैं ये फिगर वन ए है, ये फिगर वन बी है, और एक और फिगर बना लेते हैं वन सी, ठीक है। यहाँ पर अब इस तरफ डिफ्लेक्शन है क्योंकि करंट की ये डायरेक्शन, ठीक है, इधर भी ये बी डॉट है, इधर भी ये बी डॉट है। इसमें इस तरफ डायरेक्शन है, इसमें इस तरफ डायरेक्शन है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट को आप उल्टेंगे तो उससे क्या होगा कि जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो लॉरेंस फोर्स लॉ को हमने ज़रा प्रूव करके देख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर एक एग्जांपल है बड़ी इम्पॉर्टेंट, ग्रिफिथ की 5.2, ये मिटा दूँ इस तरह, एग्जाम्पल 5.2 ग्रिफिथ। ये जो एग्जाम्पल है ये साइक्लॉइड मोशन की है, एक मोर एक्सियोटिक ट्रजेक्टरी अकर करती है इफ वी इंक्लूड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक वंस। सपोज फॉर इंस्टेंट दैट बी पॉइंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, ई इन द जेड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, वो मैं फिगर अभी बनाता हूँ। अ पॉजिटिव चार्ज इज लीव फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट विल पाथ इट फॉलो।
ठीक है, वो पूछ रहा है कि चार्ज को आपने रिलीज़ किया है एक रीजन के अंदर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड में है। तो आप ये बताएं कि अब जो चार्ज पार्टिकल इस रीजन के अंदर जाएगा जहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, उसकी क्या ट्रैजेक्टरी होगी, सर्कुलर होगी, हिलिक्स होगा, साइक्लॉइड होगा, ठीक है, हाइपरबोला होगा, पैराबोला होगा, क्या आपको कौन सी ट्रैजेक्टरी जो है उसको फॉलो करेगा, हमने वो ट्रैजेक्टरी जो है उसको फाइंड करना। तो करेगा क्या, वो साइक्लॉइड मोशन करेगा एक्चुअली, ठीक है, इसीलिए हमने इस एग्जांपल का नाम जो है वो साइक्लॉइड मोशन दिया। तो आप इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, इन्फॉर्मेशन ये आपको गिवन है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इज एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक वन। ठीक है, राइट एंगल्स पे है। तो अब यहाँ पर आप अगर ये सपोज करें पहले नंबर पर कि बी जो है, बी पॉइंट्स इन एक्स डायरेक्शन, के बी पॉइंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, और नंबर टू के ऊपर ई जो है वो जेड डायरेक्शन में है। ई जो है वो जेड डायरेक्शन में, ठीक है, तो फाइंड करनी है आप इसकी ट्रैजेक्टरी हमने। तो आप ज़रा फिगर बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये देखें, ये फिगर है यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई और जेड, इसको वाई कह लें, इसको जेड कह लें और इसको एक्स कह लें। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी इस तरफ, और इस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और y डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा और वो क्या बनाएगा, साइक्लॉइड, ये ऐसे, ये कुछ इस तरह का बनाएगा। इसको कह लें ये a है, ये b है, ठीक है, और इसको अगर और बढ़ा लें आगे तो ये सी है, ठीक है, इसको कोई फिगर वन का नाम दे दें। तो अगर अब हम इनिशियली ये देखें कि ओरिजिन के ऊपर, ये ओरिजिन है, तो अगर पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है इनिशियली इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, इनिशियली अगर पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी फिर, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगा जेड डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द पार्टिकल इन द जेड डायरेक्शन। तो वो पार्टिकल को जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। जब पार्टिकल अभी रेस्ट के ऊपर है, अब जो ही पार्टिकल जो है वो स्पीड पकड़ेगा, जरिए बात एक्सेलरेट होना शुरू हुआ है, तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एज द पार्टिकल स्पीड अप, जरिए बात एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी स्पीड बढ़नी शुरू होगी। अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड द पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा पार्टिकल के अराउंड, क्योंकि अब एक्सेलरेट का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऊपर लगी है और इलेक्ट्रिक फोर्स ने उसको एक पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर दिया। अब जितना ये फास्टर मूव करेगा उतनी स्ट्रांगर मैग्नेटिक फोर्स होगी। एज इट मूव्स फास्टर द मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर, जितना तेजी से मूव करेगा उतनी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। अब जब मैग्नेटिक फोर्स आ गई है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट कर्ल करना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, नाउ इट स्टार्ट्स टू कर्ल अबाउट वाई एक्सिस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इस पॉइंट के ऊपर चार्ज जो है वो मूव करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एट दिस पॉइंट चार्ज मूव्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मूव करेगा तो ये क्या होगा, अब आपको तो ज़्यादा स्लो डाउन होना चाहिए शुरू हो जाएगा। सो इट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह स्लो डाउन हो जाएगा। तो जब ये स्लो डाउन होगा तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीज होगी। ठीक है जी,
द मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीजेस. और इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ जाए. एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स टेक ओवर, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ओवरकम कर जाएगी, जिसकी वजह से ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा. और ये क्या करेगी, ये ब्रिंग करेगी पार्टिकल को रेस्ट पर एट पॉइंट ए, और फिर दोबारा से वहाँ से वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा. फिर ये यूं ही जाएगा, फिर बी पर आग पर रेस्ट होगा, फिर यूं ही जाएगा और सी पर आकर रेस्ट भी होगा. ब्रिंगिंग द पार्टिकल एट रेस्ट एट पॉइंट ए. तो पॉइंट ए के ऊपर ये इसको रेस्ट के ऊपर जो है वो ले आएगा, ठीक है. और फिर ये प्रोसेस कैरी ऑन रहेगा, चलता रहेगा इसी तरह, ठीक है. रेस्ट के ऊपर था पहले, फिर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट हुआ तो उसने इसको जेड डायरेक्शन में मूव करवाया. फिर उसके बाद जब इसने मूव करना शुरू किया तो मूव करने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स आ गई, उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसने कर्ल करना शुरू कर दिया. फिर वो इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, वो दोबारा इसको रेस्ट की तरफ ले आई, एंड सो ऑन. इस वजह से फिर इसका जो पाथ है वो साइक्लॉयड की तरह का बना. अभी मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, ये सिर्फ आपको